मुझे याद है कि स्कॉट से मिलने से पहले लेसी उसके बारे में बहुत कुछ बता चुकी थी कि उसने क्या क्या किया है। मुझे याद है कि मैंने कहा था कि कहीं वो उसे अपने बारे में झूठ न बता रहा हो। मैं दिल की आवाज सुनने लगी हूँ। मेरी बेटी आज सुबह से लापता है, वो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। मैंने पहले भी लापता लोगों के केस देखे हैं, लेकिन ये एक बड़ा मामला था। स्कॉट से मिलने पर लेसी खुश थी, उनकी जोड़ी बहुत प्यारी थी। वो न्यूलीवेड्स की तरह पेश आते थे। स्कॉट मीडिया से बात नहीं कर रहा था, हमारा अंदाजा था कि वो हमें बताएगा उसे क्या जानकारी थी। हम पुलिस स्टेशन में अपनी डेस्क पर थे, एक महिला का फोन था, उसने कहा कि वो स्कॉट पीटरसन को डेट कर रही थी। तो क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? हम दोनों अपनी बाकी की जिंदगी एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। स्कॉट पीटरसन पर हर किसी का शक बढ़ता जा रहा था। उसे भी लग रहा था कि स्कॉट वैसा ही था जैसा बता रहा था। वो भागने की तैयारी कर रहा था। उसके पास सेल फोन, क्रेडिट कार्ड्स थे। वो आपके लिविंग रूम में हो रहे असली सोप ओपेरा जैसा था। वो ऐसा शख्स नहीं लग रहा था जो पत्नी के लौटने का इंतजार कर रहा हो। क्या तुम्हारी शादी में किसी तरह की कोई दिक्कत थी? नहीं, सब कुछ सही था। हाँ,